ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का विशेष महत्व होता है, खासकर बुध ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है और बुध संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह भी माना जाता है। बुध के किसी राशि में गोचर होने या उदय होने पर व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती और उसका सोया हुआ भाग भी जाग जाता है। ज्योतिष में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। बुध से जो है तर्क, संवाद, गणित, चतुरता की प्राप्ति होती है। बुध से बुद्धि की प्राप्ति होती है। बुध मित्रता का भी कारक है। बुध की एक विशेषता है, जन्म कुंडली में जिस ग्रह के साथ मिट जाएगा उस ग्रह के अनुकूल हो जाएगा। जैसा वह ग्रह प्रभाव दिखाता है वैसा ही बुध जो है अपना प्रभाव दिखाने लगता है। यह बुध की महादशा हो, बुध आपके अनुकूल हो तो मित्रता आपकी बढ़ती है और मित्रों से आपको लाभ होता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। बुध यदि आपका शुभ नहीं है कुंडली में तो आपको कन्याओं की सेवा करना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए, कन्याओं को वस्त्र दान करना चाहिए और भोजन इत्यादि करा करके कन्याओं को दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा करने से बुध आपके अनुकूल होगा और आपको करियर में, व्यापार में, नौकरी में सभी जगह बुध के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी ग्रह एक अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। इस राशि परिवर्तन के कारण ग्रहों की युति का भी निर्माण होता है। 26 मार्च यानी आज मंगलवार को बुध ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसे में मेष राशि में बुध और गुरु की युति का निर्माण हो रहा है और ऐसा संयोग 15 दिनों के लिए बन रहा है। इस दौरान सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस अवधि में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। 26 मार्च से बुध जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि में प्रवेश करने से मेष, मिथुन और कन्या इन 3 राशि के जातकों को लाभ ही लाभ की प्राप्ति रहेगी। जब तक बुध मेष राशि में रहेंगे तब तक वह इन 3 जातकों को निश्चित ही लाभ प्रदान करेंगे। गोचर से इन 3 राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी, व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति होगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता प्राप्त होगी, मित्रता बढ़ेगी, मित्रों की संख्या बढ़ेगी और अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा। इस प्रकार का बुध का फल जो है 3 जातकों को विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। लोकल 18 नर्मदापुरम से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट।